तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज डाई सिंथेसिस के अंतर्गत और डाइस की एप्लीकेशंस के अंतर्गत हम एंथ्राक्विनोन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्राक्विनोन डाइस में मदार की जड़ों से प्राप्त होने वाला एलिजरीन सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इन जड़ों के द्वारा यह रूबीरिथ्रिक एसिड जो कि ग्लाइकोसाइड है के अम्लीय जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी रूबीरिथ्रिक एसिड का जब जलीय अपघटन किया जाता है तो एलिजरीन प्राप्त होती है। एलिजरीन बनाने के लिए प्रयोगशाला में हम थैलिक एनहाइड्राइड और कैटिकॉल की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है और थैलिक एनहाइड्राइड कैटिकॉल के साथ अभिक्रिया करके और वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और एलिजरीन डाई का निर्माण होता है। एलिजरीन डाई को एंथ्राक्विनोन के सल्फोनिक एसिड के द्वारा भी सल्फोनीकरण की विधि के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसमें एंथ्राक्विनोन स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है या रिएक्टेंट के रूप में लिया जाता है और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। पहले एलिजरीन फॉर्म होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका सल्फोनिक साल्ट प्राप्त होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये सोडियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी अभिक्रिया पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोरेट से करवाई जाती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फिर उसका एसिडिफिकेशन करने पर एलिजरीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से एलिजरीन को दो महत्वपूर्ण विधियों के द्वारा बनाया जाता है। इसकी श्रेणी का एक और महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसे हम क्विनिजरीन कहते हैं। क्विनिजरीन में थैलिक एनहाइड्राइड और पैराक्लोरोफिनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है और इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्विनिजरीन का निर्माण हो जाता है। क्विनिजरीन के अंदर रिंग में जो बेनील रिंग है उसके अंदर एंथ्रासीन जो वाले है उसके अंदर 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है क्विनिजरीन में, जबकि एलिजरीन में 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण एंथ्राक्विनोन डाइज हैं जो कि प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं। एंथ्राक्विनोन रंजकों को इनकी उपयोगिता के आधार पर हम दो वर्गों में बांट देते हैं, मॉडर्न डाई और डिस्पर्स डाई। मॉडर्न डाई में एलिजरीन जैसे मॉडर्न डाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग कलर के लेक बनाती है। जैसे एलिजरीन एल्यूमिनियम के साथ लाल गुलाबी कलर का लेक बनाती है, बेरियम के साथ ये नीला कलर का लेक बनाती है, मैग्नीशियम के साथ बैगनी कलर का लेक बनाती है और क्रोमियम के साथ भूरे बैगनी कलर का लेक बनाती है। एंथ्राक्विनोन डाइज की दूसरी महत्वपूर्ण डाइज का है प्रकीर्णन रंजक या डिस्पर्स डाई। ये डिस्पर्स डाई सेल्युलोज एसीटेट नायलॉन और टेरीन के कपड़ों को रंगने में प्रयुक्त होती है और इसके लिए इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है रेड 15 और रेड 15 का रासायनिक नाम है 1-amino-4 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। तो ये एंथ्राक्विनोन ग्रुप के रंजकों के बारे में आपको कुछ जानकारी दी। अब हम एजोडाई के बारे में बात करते हैं। एजोडाई को एक तरह से बर्फ कलर भी कहा जाता है क्योंकि ये इनमें सारी रासायनिक अभिक्रिया ठंडे में होती है और इनकी रासायनिक अभिक्रिया में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पर एजोडाई
का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एजोडाई के सिंथे क्लासिफिकेशन करें तो एजोडाई को हम मोनो एजोडाई और डिसएजोडाई दो ग्रुप में बांट सकते हैं। मोनो एजोडाई बहुत से प्रकार की होती है, एसिडिक, बेसिक, डिस्पर्स्ड, इनग्रेंड, रिएक्टिव एंड मॉडर्न डाई। डिसएजोडाई भी एसिडिक, बेसिक और डायरेक्ट डाई के प्रकार की पाई जाती हैं। यदि हम इनके सिंथेसिस की बात करें तो हमारे अध्ययन के लिए बहुत सारी डाइज हैं जो कि एजो ग्रुप के अंदर आती हैं। एजो डाइज में एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप पाया जाता है। सामान्यतः इसके अंदर NH2, NR2 और OH ग्रुप क्रोमोफोर की तरह से कार्य करते हैं। एजो रंजक में एरोमेटिक एमीन, फिनॉल और इनोलाइज्ड कीटोन के बीच युग्मन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एजोडाई प्राप्त होती है। डाई एजोडाइजेशन और कपलिंग की प्रक्रिया से डाई एजो और पॉली एजो रंजक प्राप्त किए जा सकते हैं और ये प्राकृतिक कृत्रिम रेशों, विलायकों और सभी तरह के आशयों को रंगने में सक्षम होते हैं। कपलिंग की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इन डाइज का निर्माण होता है। इसमें कुछ उदाहरण हम इनके लेते हैं। एनिलिन येलो में पैरा एमिनो एजोबेंजीन कहते हैं इसको। एनिलिन येलो का मतलब है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। एनिलिन की NaNO2 और HCl के साथ, यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और डायोजोनियम साल्ट बनता है। इस डायोजोनियम साल्ट की पुनः एनिलिन से क्रिया कराने पर पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। ये पीले कलर का वर्ण रंग होता है। सेकंड है बटर येलो। बटर येलो पैरा डाई मिथाइल एजोबेंजीन है। पैरा डाई मिथाइल एमिनो एजोबेंजीन को हम बटर येलो कहते हैं। बटर येलो डायोजोनियम साल्ट और NN डाई मिथाइल एनिलिन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है। दोनों की अभिक्रिया करवाने पर हमें बटर येलो प्राप्त होता है। मिथाइल ऑरेंज डाई एजोटाइड सल्फेनिलिक एसिड है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर एनिलिन सल्फोनिक एसिड के डाई एजोनियम साल्ट की NN डाई मिथाइल एनिलिन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। HCl का एक अणु निकलता है और मिथाइल ऑरेंज प्राप्त हो जाता है। ये सभी एसिडिक डाई है। ये एक एसिडिक डाई है, यानी मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक एसिडिक डाई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वूल और सिल्क को ऑरेंज कलर देने का कार्य करती है और एक एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह से भी काम करती है। बेसिक मीडियम में ये येलो कलर देती है और एसिडिक मीडियम में पिंक कलर देती है। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि बेसिक मीडियम में येलो कलर है और ये येलो कलर जैसे ही एसिडिक मीडियम होता है तो पिंक कलर हो जाता है, क्योंकि बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। मिथाइल रेड भी एक एसिडिक डाई है मिथाइल ऑरेंज की तरह से, और इसमें डाई एजोटाइड आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड की NN डाई मिथाइल एनिलिन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और मिथाइल रेड प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण डाई एजो ग्रुप की है, ये है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड में 4 एमिनो नेफ्थिलीन सल्फोनिक एसिड और ट्रेटा एजोटाइज बेंजिडीन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है और कॉन्गो रेड डाई प्राप्त होती है, जिसकी संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यानी 4 एमिनो नेफ्थिलीन सल्फोनिक एसिड और ट्रेट्रा एजोटाइज्ड बेंजिडीन दोनों की अभिक्रिया से कॉन्गो रेड डाई प्राप्त होती है। एक और डाई इस ग्रुप की महत्वपूर्ण है, बिस्मार्क ब्राउन में मेटा फेनिलिन डाईएमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl से करवाने पर 2 NH2 ग्रुप में से एक डाई एडवर्टाइज जाता है। वापस उसकी NaNO2 और HCl के दूसरे मोल से क्रिया करवाने पर दोनों डाई एजोटाइज हो जाते हैं
और उनकी वापस मेटाफेनिलिन डाइअमीन से अभिक्रिया कराने पर बिस एजो प्रोडक्ट मिलता है और ये बिस्मार्क ब्राउन के नाम से कहलाता है। बिस्मार्क ब्राउन मुख्य रूप से बूट पॉलिश और वूल की डायरेक्ट डाइंग के अंदर काम आता है। एजोडाइज की सबसे विशेषता है कि ये एजोडाइज का जो सारा कार्य है, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवानी पड़ती हैं। और यदि ये टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी कारण से तो डाई डिकम्पोज हो जाती है और उनका जो नेचुरल कलर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये एजोडाइज के सिंथेसिस हैं। एजोडाइज सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि डाइज का सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी सबसे ज़्यादा जो डाइज हैं वो एजो ग्रुप की डाइज हैं और सेकंड नंबर पर जो है वो एंथ्राक्विनोन ग्रुप आता है। अब हम इससे जुड़े हुए सिद्धांतों की बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर सिद्धांत स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आपको बताए जा चुके हैं, फिर भी कुछ सिद्धांत को जस्ट ए रिविज़न आपको वापस बता देते हैं। रंग और रासायनिक संरचना, कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये श्वेत प्रकाश के 400 से 750 nm यानी 4000 to 7500 angstrom की तरंग दैर्ध्य प्रकाश में डाइज का कलर दिखाई देता है और ट्रांसमिटेड होने वाला कलर हमें इसका दिखाई देता है। इस संबंध में सबसे पहले विट ने थ्योरी दी, या विट ने अपना क्रोमोफोर का सिद्धांत दिया और क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी दी। क्रोमोफोर दे कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल लाइट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कलर, यानी क्रोमोफोर जो है कलर दिखाई देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑक्सोक्रोम खुद कलर नहीं दिखाते हैं और ये कलर बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, यानी वर्णवर्धक की तरह से कार्य करते हैं। मतलब क्रोमोफोर तो हैं जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ऑक्सोक्रोम हैं जो वर्णवर्धक की तरह से काम करते हैं। दूसरी है आर्मस्ट्रांग थ्योरी। आर्मस्ट्रांग ने बताया था कि यदि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में परिवर्तित होती है तो वो कलर शो करने के लिए या कलर दिखाने के लिए जिम्मेदार होती है, कलर के लिए वो जिम्मेदार होती है। यानी जैसे ही बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है वो संरचना कलर शो करती है। जैसे फिनोफ्थलीन के अंदर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कलरलेस होती है जो कि अम्लीय माध्यम में होती है, जैसे ही क्षारीय माध्यम होता है वो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और आपको रंग दिखाई देता है, जैसा कि आपको पहले समझाया है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर रेजोनेंस थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। रेजोनेंस थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों के बारे में आपको डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर के अंदर समझाया जा चुका है, फिर भी शॉर्ट में आपको समराइज कर देते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या रेजोनेंस थ्योरी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि रेजोनेंस से जितना ज़्यादा रेजोनेंस किसी भी डाइज या कंपाउंड के अंदर होती है उतना उसमें कलर ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पाई और पाई स्टार ट्रांजिशन के बीच का ऊर्जा अंतर कम हो जाता है और जो अवशोषण है वो विजिबल रेंज की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे नॉर्मल एथिलीन और ब्यूटाडाइन कलरलेस हैं जिनमें कि एक और दो डबल बॉन्ड है, परंतु गाजर जिसमें कि बीटा आयनॉन रिंग होती है उनमें 11 डबल बॉन्ड्स हैं और उसका पिंक कलर दिखाई देता है। तो इसी तरह से डाइज में पिक्रिक एसिड में रेजोनेंस संरचना बढ़ जाती है, रेजोनेंस बढ़ जाती है और इस कारण से वो कलर शो करती है और एक डाई की तरह से कार्य करती है। तो डाइज में यानी रेजोनेंस होना कलर शो करने के लिए या कलर बताने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सिद्धांत है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में
इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है बंधी ऑर्बिटल से विपरीत बंधी ऑर्बिटल में, और जब ये ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होता है जो कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, तो उस समय पदार्थ रंग बताता है। तो यदि ट्रांजिशन उसका सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार होता है, उस समय विजिबल रीजन में ट्रांजिशन नहीं हो पाता है और पदार्थ कलरलेस होता है। परंतु जब उसमें विजिबल रीजन में ट्रांजिशन होता है तो पदार्थ में रंग दिखाई देता है। सभी इन्हीं सब थ्योरीज के बारे में आपको डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बताया जा चुका है। तो इस तरह से डाइस के बारे में आप चारों वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।